तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमित और आज हम चला रहे हैं ये MG की हेक्टर। तो ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये एक पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट है और ये चलने में बहुत ही फैंटास्टिक है सिटी और हाईवे दोनों पे। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस SUV के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि ये एक बहुत ही चौड़ी और एक बड़ी SUV है। देख सकते हैं कितनी ऊंची है और कितनी चौड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है सामने से। इसको मिलता है ये एक अच्छे से सिल्वर फिनिश में जो ग्रिल है, बहुत ही बड़ा ग्रिल है और बहुत ही अच्छे से फिनिश्ड है ये जो भी कलर है यहाँ पे, ये जो सिल्वर या ग्रे आप बोल लें। और यहाँ पे इसको मिलता है एक बड़ा सा MG लोगो। अब इस लोगो के ठीक नीचे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो इसमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन है और आपको बहुत सारा क्रोम एक्सेंट मिलेगा जो कि DRL जहाँ से चालू होता है ये पूरा कंटिन्यू करता है ये ग्रिल के नीचे से वहाँ तक। और यहाँ पे भी आपको क्रोम के जो एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ये जो लाइटिंग यूनिट है इसके चारों तरफ, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। नीचे भी यहाँ पे ग्रिल जो है वो फिनिश्ड काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर जो है अलग है, थोड़ा सिल्वर एक्सेंट इसको दे दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों सामने से तो जो है ग्रिल, क्रोम और जितने भी हैं एक्सेंट्स वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब बात करते हैं इसके लाइटिंग यूनिट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको DRL दिए गए हैं इसके ऊपर और जो हेडलैम्प है इसका नीचे बम्पर में प्लेस कर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो DRL है ये जब आप इंडिकेटर देते हैं गाड़ी को या जब आप हैजार्ड लाइट जलाते हैं तो ये जो है DRL ही इंडिकेटर है इनके, ये ऑरेंज टर्न हो जाते हैं। और इंडिकेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसाइड आउट की तरफ स्वाइप होते हैं जैसे आपको ऑडी कार्स में दिखता है, तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है, वो काफ़ी अच्छा लगता है सामने से। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसको दो प्रोजेक्टर मिलते हैं, एक हाई बीम के लिए एक लो बीम के लिए, जो कि काफ़ी ब्राइट हैं। और यहाँ नीचे एक और इसको कॉर्नरिंग लाइट और जो कि फॉग लाइट की तरह भी एक्ट करता है वो मिलता है। तो पूरा लाइटिंग यूनिट जो है वो LED है और काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप दोस्तों इस गाड़ी को सामने से देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं साइड से गाड़ी कितनी लंबी है और काफ़ी ऊंची है गाड़ी, एक प्रॉपर SUV जैसी होनी चाहिए। और जहां तक क्रोम का जो है प्रेजेंस है आप देख सकते हो कि क्रोम यहां पे टेल लाइट पे भी है, क्रोम यहां पे भी है आपके क्रोम स्ट्रिप, और एक क्रोम स्ट्रिप जो डी पिलर से पूरा यहां पे डोर से ए पिलर तक जा रहा है, तो ये काफ़ी क्रोम है। वहीं सिर्फ ख़त्म नहीं होता, आपको क्रोम यहाँ पे मिलता है डोर हैंडल पे, आपको क्रोम यहाँ मिलता है नीचे की तरफ एक स्ट्रिप जहाँ पे ये मॉरिस गराजेस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका लोगो एम्बेडेड है। और इसको मिलता है बॉडी कलर ORVM जिस पे अगेन क्रोम एलिमेंट प्रेजेंट है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी हैं उन दोनों क्रोम एलिमेंट्स के बीच में। काफ़ी अग्रेसिव बॉडी लाइन्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कीलेस एंट्री मिलती है इसको, 192 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि डिसेंट है, उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू इट्स राइवल जैसे कि हैरियर वगैरह हो गए, उसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो उतना मतलब थोड़ा सा कम है ग्राउंड क्लियरेंस, बट ओवरऑल गाड़ी साइज से दिखने में काफ़ी अच्छी है। ये जो अलॉयज़ आप देख रहे हैं ये मशीन कट अलॉय व्हील्स काफ़ी खूबसूरत हैं, पर अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो है थोड़े से छोटे हैं कंपेयर करा जाए अगर आप गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स है और अगर आप देखें इस गाड़ी को साइड से तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से छोटे, मतलब अगर 18 होते तो थोड़ा सा सही लगता, थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट लगता क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इसको दोस्तों यहाँ पे मिलता है रूफ रेल्स जिस पे आप लगेज कैरियर वगैरह माउंट कर सकते हो। और अगर आप देखेंगे कि मैं सस्पेंशन कितना सॉफ्ट है गाड़ी का, मैं हल्का सा हिला रहा हूँ, देख सकते हैं गाड़ी पूरी हिल रही है, उसके बारे में आपको और बताऊंगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसके सस्पेंशन कैसे। तो हाँ जी, ये रूफ रेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप इस पर अपना लगेज कैरियर माउंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाना हो और काफ़ी सारा सामान है। तो जी हाँ दोस्तों, साइड से तो गाड़ी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो गाइज ये है इंजन हेक्टर का और ये जो हम आज वेरिएंट चला रहे हैं एक पेट्रोल है, तो ये एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि 141 BHP और 250 NM ऑफ टॉर्क निकालता है। अब ये एक हाइब्रिड भी है, ये एक प्लग इन हाइब्रिड नहीं, एक माइल्ड हाइब्रिड है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक मोटर है और एक लिथियम आयन बैटरी का सेट है, तो मैं उस बारे में आपको बताऊंगा जब मैं गाड़ी चला रहा हूँगा कि वो मोटर क्या करता है और किस तरीके से वो फ्यूल एफिशिएंसी में हेल्प करता है। तो अभी के लिए दोस्तों ये इंजन है 1.5 लीटर का जो कि प्रोड्यूस करता है 141 BHP और 250 NM ऑफ टॉर्क। काफ़ी स्मूथ इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, NVH लेवल्स काफ़ी इसके अच्छे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के रियर एंड के बारे में। और सबसे पहली चीज़ आप फिर से नोटिस करोगे कि इसमें बहुत सारा क्रोम प्रेजेंट है पीछे भी, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोम की स्ट्रिप यहाँ पे मौजूद है जो कि टेल लाइट है उसके चारों तरफ से जा रही है और इसको एक स्लीक सा टेल लाइट मिलता है जो कि एक LED यूनिट है।
यहाँ पे आपको देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टर है, ये जलता नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है। आपको यहाँ भी क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगा, प्लस एमजी का बड़ा सा लोगो यहाँ पे है, सेक्टर बैजिंग, हाइब्रिड बैजिंग वहाँ पे, रियर व्यू कैमरा। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से क्रोम स्ट्रिप मिलेगा बूट के क्रॉस, और आपको यहाँ भी क्रोम मिलता है एग्जॉस्ट के चारों तरफ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है गाड़ी को प्रीमियम लुक देने के लिए। और जैसे कि मैं बोल रहा था, इसको मिलता है ये पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। इसको एक 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए आपके जो कैमराज हैं वो ORVM पे भी मौजूद है दोनों, और सामने भी है, तो वो आपको एक सैटेलाइट इमेज देता है गाड़ी का ऊपर से, जो कि पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी एक्यूरेट भी है वो। चलिए अब बूट की बात करते हैं, तो इसको मिलता है एक इलेक्ट्रॉनिक बूट। तो जैसे कि देख सकते हो बूट अपने स्पीड से खुलता है, क्योंकि इसको मैन्युअली हम लोग पुश नहीं करेंगे, ये अपने स्पीड से खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक 587 लीटर का बूट मिलता है, जो कि बहुत है, क्लोज टू 590 के आसपास। और आपको अगर और जगह चाहिए तो आप ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट में है, आप इसको फोल्ड कर सकते हो और आपको और जगह मिल जाएगी। यहाँ पे बटन दिया गया है, आप इसको दबाइए। ये इलेक्ट्रॉनिक बूट है और ये फीचर मेरे को सबसे अच्छा लगता है। अंदर से भी बूट खोल सकते हैं आप और रिमोट के मदद से भी बूट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे हेक्टर के, और सबसे पहली चीज़ जब आप एंटर करोगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, बहुत बड़ा कैबिन है, बहुत स्पेशियस कैबिन है। और जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है जो चीज़ों की, जैसे जो प्लास्टिक हो गया या सॉफ्ट टच लेदर हो गया, जो बटन्स है वो काफ़ी प्रीमियम है। आपको डोर्स पे जो है यहाँ पे आपको ये विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, बाहर के जो ORVM कंट्रोल्स है वो यहाँ मिल जाएंगे, लाइट की सेटिंग, ब्राइटनेस, लाइट को अप डाउन करने का सेटिंग, टेल गेट खोलने का सेटिंग आपको यहाँ राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ मिलेगा AC वेंट के, बॉटल होल्डर, कप होल्डर, और इसको मिलता है एक इन्फिनिटी साउंड सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब बेस्ट इन द क्लास मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ रियली ऑसम। बेस वगैरह गाने जो सुनते हैं एकदम ही अच्छा है, कहीं से आवाज़ फटती नहीं है, कुछ नहीं होती है। और आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर्स भी काफ़ी जगह दी गई, जैसे ये डोर पे थोड़ा बहुत है, इसमें मतलब मिक्स एंड मैच किया गया है एलिमेंट्स है। और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे भी इसके ऊपर सॉफ्ट टच लेदर मिल जाएगा, बल्कि जो मेन डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बना है, बट जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है इस पर भी चारों तरफ जो है ये रैप्ड अराउंड है, काफ़ी सॉफ्ट है स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं। और बात करें इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो ये 10.4 इंच का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पूरे गाड़ी के लिए। और इसमें एक फीचर है जिसका नाम है, जैसे मैं अभी बोलूँगा हेलो MG, आई एम हियर, तो मतलब इस तरीके से आप वो MG को कमांड दे सकते हैं, गाड़ी को सनरूफ खोल देगा, खिड़की खोल देंगे, वॉल्यूम कम कर देगा, टेम्परेचर बड़ा कम कर देगा, मतलब बहुत कुछ है। तो हैंड फ्री ड्राइविंग वगैरह बहुत एक्सेसिबल इजी हो जाती है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे सामने, आपको डिजिटल भी है MID स्क्रीन बीच में, और दोनों साइड एनालॉग है स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के लिए। तो जो बीच में जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाड़ी के बैटरी लेवल के बारे में, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ, डिस्टेंस टू MT मिल जाएंगे। और ये जो स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल मैंने बोला काफ़ी अच्छे हैं, और ये जो सिल्वर एक्सेंट्स है जो चारों तरफ दिए गए हैं यहाँ गाड़ी में, जो स्टेयरिंग के चारों तरफ हैं, ये AC वेंट्स के चारों तरफ है, डोर पे है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो कैबिन है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ऊँचा है। अब बात करें कम्फर्ट लेवल की, तो इसके जो सीट्स हैं मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी सॉफ्ट सीट्स हैं, मतलब अगर इस पर एक लंबर सपोर्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज यहाँ से थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है ये नीचे की तरफ से। बट ओवरऑल सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, ड्राइवर को इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट है यहाँ पे, पैसेंजर को नहीं है। और लंबर सपोर्ट मैं सोच रहा था अगर होता, मेमोरी ऑप्शन तो है ही नहीं सीट पे। तो बाकी दोस्तों कैबिन का जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत अच्छा है, एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे तरीके से आप ऊँचे बैठते हो, बड़ा सा विंडस्क्रीन है और अच्छे तरीके से आप चला सकते हो। तो ये है फ्रंट सीट। अब चलिए हैं चलते हैं रेयर पे और मैं आपको उसके बारे में और बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेयर सीट पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और मैं एक लंबा बंदा हूँ, मैं 6 फीट प्लस है मेरी हाइट। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नी रूम अवेलेबल है यहाँ पे और हेडरूम, तो उस डिपार्टमेंट में तो कोई भी कंप्लेन नहीं है हम लोगों को कि इसमें नी रूम नहीं है या लंबे आदमी नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल कंप्लेन नहीं है। बहुत ही सॉर्टेड रियर सीट है, इसका काफ़ी जगह है। सॉफ्ट टच लेदर यहाँ पे फिर से दरवाजे पे मौजूद है, आपको इन्फिनिटी साउंड सिस्टम यहाँ पे दो, मतलब दरवाज़ा काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, ये सिल्वर एक्सेंट्स वगैरह, तो वो सब जो है काफ़ी अच्छा बना देते हैं गाड़ी को। अब चलिए उस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बैठना है और गाड़ी ऐसे जगह पर पार्क्ड है जहाँ पे मतलब दरवाज़ा नहीं खुल सकता है उस साइड से, या कुछ है, दीवार है या पेड़ है या कीचड़ है,
तो आप यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्लैट बेड है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी यहाँ पर ट्रांसमिशन टनल वगैरह कुछ नहीं है। एसी वन मैं चाहता था कि और एक और एसी वन मतलब पीछे की तरफ हो, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी है, या फिर ये बी पिलर पे जो एसी वेंट होते हैं वो दे सकते थे, तो थोड़ा सा पीछे, आगे तो ठंडा हो जाता है, पीछे ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको मिलता है एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ यहाँ से, जो कि पूरा आगे से लेकर पीछे तक यहाँ तक कंटिन्यू होता है। तो आप अगर रेनी डे है और बारिश हो रही है और आप अगर ड्राइव पे जाना चाहते हैं पीछे बैठे, तो आप बस सनरूफ खोल दीजिए और मौसम का मजा लीजिए। अगर आप चार लोग जा रहे हैं तो आप ये जो है आर्मरेस्ट डिप्लॉय कर सकते हो, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ आर्मरेस्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसमें मिलता है ये कप होल्डर। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअल एडजस्टर है इसका सीट का, जिससे आप ये सीट को पीछे कर सकते हैं, तो आप बढ़िया से रिलैक्स करके बिल्कुल फैल के इस गाड़ी में जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हेक्टर के ड्राइविंग सीट पे वापस, और अब मैं आपको इस गाड़ी को चला के बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंजन ब्रीफ दे देता हूं। तो ये जो वेरिएंट हम चला रहे हैं, ये पेट्रोल वेरिएंट है और ये हाइब्रिड वेरिएंट है। तो एक 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो पेट्रोल इंजन से पावर होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 141 BHP ऑफ पावर एंड 250 NM ऑफ टॉर्क। ये मिटेड है एक 6-speed गियरबॉक्स से, जो कि मैनुअल है। और अब मैं बताता हूँ आपको इसमें जो मोटर है, जो इलेक्ट्रिक मोटर और जो बैटरी है वो क्या काम करता है। तो इसमें एक लिथियम आयन बैटरी है, जो कि गाड़ी के अंदर ये सीट के नीचे मौजूद है, गाड़ी के बाहर नहीं मौजूद है, क्योंकि वो फिर हीटिंग में इश्यूज होते हैं और फिर बाद में बैटरी जो है वो बहुत स्ट्रेस में आने लगती है, और फिर चार्जिंग करते वक्त वो जितना लास्ट करना चाहिए उतना लास्ट नहीं करती है। तो इसीलिए उन्होंने बैटरी को अंदर की तरफ रखा है, और वो बैटरी कनेक्टेड है 48 वोल्ट के मोटर से। तो वो इन टर्न क्या करता है, तो जब आप बहुत ही लो स्पीड में जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप पिकअप ले रहे हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है इंजन को असिस्ट करता है एक टॉर्क बूस्ट देने के लिए। वो डायरेक्टली जो है मोटर व्हील्स को नहीं रन करता है, एक टॉर्क बूस्ट मिलता है कुछ 25 या 27 NM का, जो कि काफ़ी है गाड़ी को ऑफ द लाइन क्विकली जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से दोस्तों इसमें काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी होती है, जो वो टॉर्क वो जो मोटर असिस्ट करता है जो इंजन को, और इसमें रीजनरेटिव भी है एनर्जी। तो जैसे ही आप इंजन चल रहा होता है, देखते हैं बैटरी का लेवल डाउन हो गया, तो वो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है कुछ। अभी जैसे हम लोगों के पास 50% है, अभी कम हुआ है 48 पे, तो क्या कर रही है बैटरी जो है वो असिस्ट कर रही है इंजन को, और वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो उससे होता है कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है गाड़ी, पावर डिलीवरी बहुत लीनियर हो जाती है, बहुत स्मूथ चलती है ये गाड़ी। एक्चुअली अगर आप सारे शीशे बंद करके अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे एक स्मूथ रोड हो, तो आपको इंजन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, एक बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक दोस्तों सस्पेंशन की बात है इस गाड़ी के, तो एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका सस्पेंशन बहुत 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 सॉफ्ट है, जिससे इंटर्न ये होता है कि आपको एक बहुत कंफर्टेबल और एक स्मूथ राइड मिलता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आपको बहुत सारा बॉडी रोल मिलता है, जिसमें गाड़ी बहुत अनस्टेबल हो जाती है। जैसे कि आप देखिए बाहर भी मैंने आपको दिखाया था, पकड़ के आप हिला सकते हैं गाड़ी को, इतने सॉफ्ट है सस्पेंशन। लेकिन राइड काफ़ी स्मूथ है, जो पॉटहोल्स हैं जो शहर के वो जो है ईजिली अब्जॉर्ब कर लेता है एकदम, मतलब आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होने देता, जर्किनेस नहीं होने देता है, काफ़ी स्मूथली बम्पी राइड हो जाती है कभी कभी। बट ये जो दोस्तों NVH लेवल के साथ, जो मतलब इतना क्वाइट है ये कैबिन, स्पेशली पेट्रोल इंजन है तो उस हिसाब से लेवल ऑफ रिफाइनमेंट और ज़्यादा है डीजल से, काफ़ी अच्छा है। अब फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, तो हम लोगों को सिटी में कुछ 11 से 12 का फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा था सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और हाईवे पर हम जब लेके गए तो 14.7 to 15 के बीच में हमको मिला है माइलेज। तो ये ख़राब नहीं है एक पेट्रोल इंजन के लिए। और बात करते हैं दोस्तों कि डीजल के बारे में बात करें, तो डीजल में ऑब्वियसली माइलेज ज़्यादा है, लोगों ने क्लेम किया 18-20 का भी माइलेज आपको मिलता है उसमें। उसमें एक 2 लीटर का इंजन मौजूद है, वो हम लोग बाद में रिव्यू करेंगे, तो बाद में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, इसको इन्फिनिटी जो है साउंड सिस्टम मिलता है, 9 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम, बहुत ही ऑसम है। काफ़ी बेस वगैरह है गाने में, मतलब कोई भी गाना बजाते गाना फटेगा नहीं, स्पीकर फटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से गाना सुनाई देता है, बेस ट्रेबल सब कुछ, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी का है इस सेगमेंट में जो है साउंड सिस्टम मेरे को तो लगता है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ये काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ जो वो माइल्ड हाइब्रिड जो सेटिंग जो बैटरी का है वो करता है, इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। तो जैसी बैटरी आपकी जैसी 50 या कितने परसेंट एक लिमिटेड है, वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं है कितना है, उतने परसेंट से ऊपर अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो होता ही है
कि जैसे ही आप एक सिग्नल पे रुकते हो उससे जो है आप जैसे न्यूट्रल पे डालते हैं गाड़ी, तो क्या होता है आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, उससे फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प होता है। और जैसे ही आप क्लच वापस से प्रेस करते हैं तो वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे सिग्नल पे आप आए, आप रुके, आपने ब्रेक मारा, आपने न्यूट्रल में किया और क्लच छोड़ दिया, गाड़ी बंद, क्लच दबाया, जैसे सिग्नल वापस से ग्रीन हुआ, क्लच दबाया, गाड़ी चालू, गियर में लगाइए और बस निकल जाइए आप। तो जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल तो मेरे को बहुत पसंद आई है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसके, स्पेशली बैक सीट जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा, फ्रंट सीट भी अच्छा है, ड्राइवर सीट, बस ड्राइवर सीट जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। एक चीज़ मेरे को लगता है शायद होना चाहिए था इसमें, वो जो मेरे हिसाब से है वो है इसका लंबर सपोर्ट। तो इसमें जो है लंबर सपोर्ट नहीं दिया गया है ड्राइवर सीट के लिए, अगर ड्राइवर सीट में लंबर सपोर्ट होता तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे को ये सीट थोड़ी सी जहाँ पे लंबर एडजस्टमेंट होता है वहाँ थोड़ी गड़ रही है। तो क्योंकि पैसेंजर तो देखिए एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर को तो चला के जाना है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए चाहिए, तो अगर एक लंबा सपोर्ट दे देते तो थोड़ा अच्छा होता। इस प्राइस रेंज में गाड़ियों में लंबा सपोर्ट मिलता है, मैनुअल ही दे देते तो चलता, बट ओवरऑल गाइस आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द हेक्टर। फैबुलस गाड़ी है, फैबुलस चलने में, पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है, बहुत स्मूथ है, और इसको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आप अगर कैमरा ऑन करते हैं, बटन है तो आप पार्क कर रहे हैं या आपको ऑन चाहिए, तो यहाँ तीन डिस्प्ले आ जाती हैं स्क्रीन पे, और बहुत अच्छी है। स्टेरिंग मोटर कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ें कंट्रोल करते हैं यहाँ वहाँ, जो आपका MG हेक्टर का जो वॉइस कमांड है वो भी बहुत अच्छा। तो गाड़ी जो है एकदम टॉप नॉच है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल गाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, और हम लोग इसका जो है डीजल वेरियंट भी जल्दी रिव्यू करेंगे और आप तक उसका रिव्यू हम पहुँचाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी MG की हेक्टर जो कि पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट है, और इसके प्राइसेस जो है चालू होते हैं 12.5 लाख रुपए से लेकर एक्स शोरूम और ऑल द वे 7,30,000 रुपए एक्स शोरूम तक के जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसका कीमत है 15 लाख रुपए एक्स शोरूम, और ये बहुत ही फंटास्टिक गाड़ी है। आई होप मैंने कार अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी हो, तो अगर आपको कुछ और जानना है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग उसका आंसर आपको दे देंगे। तब तक के लिए मैं प्रोमी साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।